हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दो, अभी हम कौन सा फॉर्मूला देखते हैं? जो हमने फॉर्मूला देखा था, और फॉर्मूला देखा था और एंड फॉर्मूला देखा था, बोले तो अभी हम उसमें और एक फॉर्मूला क्या देखते हैं, इफ और। इफ और का मतलब क्या आएगा, देखो ये फॉर्मूला रहेगा इफ और फॉर्मूला। अभी लास्ट टाइम जो हमने देखा था तो उसमें क्वेश्चन लिखा था ना और लिखा था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, या तो ट्रू आ रहा था या फिर फॉल्स आ रहा था, बोले उसमें आंसर क्या आ रहा था, ट्रू या फिर फॉल्स। लेकिन अभी हमें आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं चाहिए, इधर ट्रू आता है उसकी जगह हमें डायरेक्टली कुछ कंडीशन आना चाहिए, मतलब कुछ कंडीशन वाइज आंसर आना चाहिए। तो अभी सपोज हमारे पास एक फाइल है, देखो इधर लिखा है कुछ स्टाफ का नाम लिखा है, बाद में परमानेंट, जो जो परमानेंट है उसके सामने यस लिखा है और जो परमानेंट नहीं उसके सामने नो लिखा है, और ये उनका सैलरी लिखा है 8,000, 4,500 ऐसे सैलरी लिखा है। तो अभी हमारा कंडीशन क्या आएगा बोनस देने के लिए, सपोज हमें बोनस देने का है, कितना परसेंट देने का है बोनस, बेसिक के 10%। लेकिन कभी आएगा बेसिक के 10%, तो उसके लिए कंडीशन है हमारा। कंडीशन क्या है कि जो स्टाफ परमानेंट होना चाहिए, मतलब स्टाफ एक तो परमानेंट होना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टाफ परमानेंट नहीं है लेकिन उसका बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर है, उसको बोनस आना चाहिए, समझेगा। मतलब दो कंडीशन में से कोई तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है, या तो परमानेंट होना चाहिए या फिर उसकी बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बोनस कितना आना चाहिए, 10%। किसका 10%, बेसिक सैलरी का 10% आना चाहिए, बराबर। तो लास्ट टाइम जो हमने आंसर निकाला था उसमें ट्रू एंड फॉल्स आ रहा था सिर्फ, तो अभी इसमें कैसे निकालेंगे, तो इफ और फॉर्मूला लेने का। कौन सा फॉर्मूला लिखने का, पहले इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद क्या लिखोगे, इफ ब्रैकेट ओपन कर दिया, देखो लिखा ना नीचे, अभी लॉजिकल टेस्ट बोल रहे, लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन, तो कंडीशन क्या आएगा, और फॉर्मूला लेने का। लॉजिकल टेस्ट में क्या लेने का है, और बाद में ब्रैकेट ओपन कर दिया, आ गया लिखा सर इफ और। अभी लॉजिकल टेस्ट वन क्या है हमारा, तो पहले में क्या आएगा, तो परमानेंट है कि नहीं है ना, तो इस सेल के ऊपर क्लिक करने का, इफ दिस सेल मतलब उसके सामने वाले सेल में क्लिक करोगे, इफ दिस सेल इक्वल टू यस आएगा, तो यस कैसे लिखने का, इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का है ना, इफ दिस सेल इक्वल टू यस, मतलब अगर परमानेंट है, और कॉमा देके क्या लेंगे, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या हमारा, बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर है, तो बेसिक के ऊपर क्लिक करने का, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा सपोज 10,000, मतलब या तो 10,000 या 10,000 के ऊपर है, समझेगा। ये हो गया हमारा और फॉर्मूला, इतना ही है ना। तो ब्रैकेट को क्या करोगे, अभी क्लोज कर दो, लिखा इतना, अभी क्लोज करने के बाद एक बार कॉमा देने का, क्योंकि अभी हम फिलहाल किसमें, लॉजिकल टेस्ट के अंदर है, तो जैसे हम कॉमा देंगे इधर देखो, तो क्या हाईलाइट हो गया, वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब सचमुच अगर किसी का बेसिक सैलरी या तो 10,000 के ऊपर है या फिर वो परमानेंट है, तो कौन सा कंडीशन आना चाहिए, तो ये दोनों में से कोई तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो उसको बोनस कितना आना चाहिए, 10%। तो कैसे लिखोगे 10%, किसका 10%, तो बेसिक सैलरी का 10%, तो कैसे आएगा, बेसिक सैलरी बोला बेसिक के ऊपर क्लिक कर दिया इन टू, बाद में किधर क्लिक करोगे 10%, लेकिन ये 10% को फिक्स करने का इधर से, तो कैसे फिक्स करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दो और F4 बटन दबा दो एक ही बार, तो देखो हो गया दोनों भी कॉलम फिक्स, रो और कॉलम, बाद में वापस कॉमा देने का है। अभी आगे का कंडीशन क्या है, वैल्यू ऑफ फॉल्स, मतलब क्या कि अगर या तो या परमानेंट भी नहीं है और वो 10,000 के ऊपर भी नहीं सैलरी, तो उसके सामने क्या आना चाहिए, नील लिख के आना चाहिए, तो क्या लिखोगे इधर डबल इनो कॉमा में, क्या लिखोगे नील, बाद में डबल इनो कॉमा कंप्लीट है, हो गया वैल्यू ऑफ फॉल्स लिख के, बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दो, देखो आया। तो हमारा कंडीशन क्या है कि या तो वो परमानेंट होना चाहिए या फिर उसका बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर होना चाहिए, अगर दोनों में से कोई तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बोनस कितना आएगा, 10%, बेसिक सैलरी का 10%। अगर नहीं है दोनों में से एक भी कंडीशन, तो क्या आएगा उसके सामने, नील करके लिखा आएगा, देखो अभी इंटर कर दे, देखो आया, अभी देखते बराबर आया कि नहीं आया, देखो अभी ये परमानेंट भी नहीं है और उसका बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर भी नहीं, इसलिए आया नील, अभी ये परमानेंट है तो इसके सामने बोनस आ गया। अभी देखो इधर परमानेंट तो नहीं है लेकिन उसका बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर है, इसलिए आ गया इसके सामने, समझ रहे। कौन सा फॉर्मूला किया था हमने, ई फॉर मतलब क्या कि दोनों में से कोई तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या आंसर आना चाहिए, समझेगा इतना, देखोगे इतना।